जीवन के उतार चढ़ाव और कठिन परिस्थितियों से परेशान लोग अक्सर अकेलेपन में रहना पसंद करते हैं। ये प्रॉब्लम तब और ज्यादा बढ़ जाती है जब ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा हो जाए। कोरोना महामारी ने इस परेशानी को तेजी से बढ़ाने का काम किया है, क्योंकि लॉकडाउन के चलते पूरी दुनिया घर की चार दीवारी में कैद हो गई थी। इन दिनों एक देश की सरकार के लिए अकेलेपन की समस्या चिंता का सबब बन गई थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जापान में 15 लाख से ज्यादा वर्किंग एज के लोग घरों में कैद हैं। ये लोग न तो घर से निकलते हैं और न ही लोगों से मिलना पसंद करते हैं। जापान में सोसाइटी से खुद को अलग करने और अकेले रहने की इस प्रोसेस को हिकिकोमोरी कहा जाता है। इसका ट्रेंड जापान में बढ़ता जा रहा है। हिकिकोमोरी से पीड़ित लोग किसी से बातचीत करना या ज्यादा जुड़ना पसंद नहीं करते हैं, उन्हें सिर्फ घर में रहना पसंद है। 10 से 69 साल की उम्र के 30,000 जापानी लोगों पर किए गए एक सर्वे के मुताबिक 15 से 62 एज ग्रुप के 2% व्यक्ति हिकिकोमोरी से पीड़ित हैं। क्या है हिकिकोमोरी? माना जाता है कि हिकिकोमोरी वर्ड जापान में 1990 के दशक में उन युवाओं के लिए गढ़ा गया था जिन्हें समाज से खुद को काट लिया था और अपने घरों में आइसोलेट हो गए थे। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका की माने तो उस व्यक्ति को हिकिकोमोरी माना जाता है जो 6 महीने या इससे लंबे वक्त तक समाज से दूरी बनाए रखते हैं या उनसे कटे रहते हैं। हिकिकोमोरी को टेंशन, डिप्रेशन, पढ़ाई का दबाव, रिश्ते में कलह और सोशल फोबिया से जोड़ा जाता है। जापान में क्यों बढ़ रहा है ये? जापान में हिकिकोमोरी का ट्रेंड कई वजहों से बढ़ रहा है। जापान में कई युवा स्कूल में अच्छा परफॉर्म करने और अच्छी नौकरी के लिए ज्यादा पढ़ाई के दबाव का सामना करते हैं। इसमें उन्हें स्ट्रेस और चिंता जैसी दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। इसके अलावा करियर ग्रोथ की टेंशन, कुछ न कर पाने के दबाव भी इसके बढ़ने के कारणों में शामिल है। हिकिकोमोरी का इलाज आमतौर पर दवा से नहीं होता बल्कि साइकोथेरेपी से किया जाता है। हालांकि मेंटल हेल्थ में सुधार करने के लिए दवाइयों की जरूरत भी पड़ती है। हिकिकोमोरी से जूझने वाले लोगों को परिवार के सपोर्ट की या मेडिकल प्रोफेशन की जरूरत पड़ती है।